हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY, एक लोशन, एक रेमेडी जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपकी स्किन को अच्छा बनाने में सर्दियों में। अगर आपकी स्किन सर्दियों में रूखी रहती है और कोई भी लोशन आप लगा रहे हैं फिर भी वो वर्क नहीं कर रहा है, तो एक बार ये जरूर ट्राई कर लें। ये सीरियसली बहुत ज्यादा वर्क करती है। इसको मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ फ्रेंड। जब बहुत ज्यादा सर्दियां आ जाती हैं और कोई लोशन अगर आपको काम नहीं कर रहा है तो एक बार जरूर ट्राई करना। और जो रेमेडी मैंने बना के रखी हुई है, देख सकते हैं लोशन, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आसान के साथ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसको आराम से आप बना सकते हैं घर पे। तो किस तरह मैंने बनाया है और इसको कब कब अप्लाई करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल होता है, तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, ताकि कोई भी वीडियो मेरा आए तो आप उसे मिस ना करें। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ये वीडियो। इस DIY को बनाने के लिए फ्रेंड सबसे पहली चीज जो मैं ले रही हूँ वो है गुलाब जल। तो ये है मेरे पास डाबर गुलाबरी का रोज वाटर। अगर आपके पास किसी और ब्रांड का और कंपनी का गुलाब जल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और इसका रेशियो है मेरे पास जो ले रही हूँ 5 टेबल स्पून में ले रही हूँ डाबर का गुलाब जल। और इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ज्यादा थिक होती है, स्टिकी होती है, इसलिए इसको डायरेक्टली कभी भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं हम लोग फेस पे, इसलिए मैंने गुलाब जल ऐड किया है। बट ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करती है, आपके स्किन को बहुत ही स्मूथ बनाती है और जैसे आपके स्किन का जो पोर्स होते हैं उसको क्लोज करने में हेल्प करती है। तो आपकी स्किन जो बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है सर्दियों के पीछे, तो वो तो हेल्प करेगी करेगी, अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी, साथ में और अदर्स जो स्किन का प्रॉब्लम है वो भी रिमूव होंगे फ्रेंड। एक्ने रिड्यूस हो जाएगा, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, ब्राइट होगी स्किन एंड आपकी ग्लोइंग होगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है ग्लिसरीन, 5 टेबल स्पून गुलाब जल। देन मैं ले रही हूँ विटामिन ए के कैप्सूल, ये है मेरे पास इवन 400। और विटामिन ए के कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके स्किन को और काफी बेनिफिट देती हैं और साथ में साथ बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करते हैं ये आपके स्किन को। आपकी स्किन स्मूथ एंड ग्लॉसी एंड ग्लोइंग होने वाली है। और बिकॉज अगर आपके पास अगर ये नहीं है विटामिन ए का कैप्सूल तो आप बादाम ऑयल यूज कर सकती हैं। और 1 टेबल स्पून अगर मैं टू ले रही हूँ ये विटामिन ए के कैप्सूल, अदरवाइज अगर विटामिन ए कैप्सूल नहीं यूज कर रहे तो 1 चम्मच आप बादाम का तेल यूज कर सकते हैं। और इन जो भी चीजें लेंगे उसको अच्छे से फ्रेंड मिलाना है। और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ लेमन का जूस, और बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है, सिर्फ में 3 से 4 ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं लेमन का जो भी जूस है। ये बहुत हेल्प करेगा आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए, बिकॉज सर्दियों में बहुत ज्यादा डल भी हो जाती है स्किन, तो थोड़ा सा ग्लोइंग करने के लिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ लेमन। और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और किसी भी कंटेनर में आप डाल लीजिए। कांच का भी बॉटल ले सकते हैं, प्लास्टिक का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और उसको उसमें आप पोर कर लीजिए सारे चीजें जो भी हमने बनाई अच्छे से मिक्स करने के बाद। और जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे ये DIY ये लोशन, तो इसको अच्छे से जो भी कंटेनर उसको अच्छे से सेक करें, फिर आप अप्लाई करें। और इसको अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड, रात में अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके अप्लाई कर लीजिए फेस पे। 1 मिनट आपको अप्लाई करना है, 1 मिनट मसाज करना है, उसके बाद मॉर्निंग में आपको फेस पानी से धुल लेना है। और देख सकते हैं इसको आप फेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने पूरे बॉडी पे, बिल्कुल आपका जो स्किन में ड्राइनेस है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 1 हफ्ते लगातार यूज किए जिसकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। जरूर ट्राई करिएगा इस विंटर ये। होप फ्रेंड ये रेमेडी आप जरूर ट्राई करेंगे और आपको जरूर हेल्प होने वाली है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।